हाइब्रिडाइजेशन बताओ और शेप बताओ किसी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या होगी, किसी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और उसकी शेप बताओ कि क्या होगी। हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स होते हैं। वी हैव गॉट कंपाउंड्स ऑफ टू कोऑर्डिनेशन नंबर। वन इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड अनदर इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अब आज हम कर रहे हैं, इट मींस इट्स ML4। जब मेटल 4 लिगेंड्स के साथ सराउंडेड है, जब हम ये कर रहे हैं दिस इज ML6, जब मेटल 6 लिगेंड्स के साथ सराउंडेड है। जब मेटल 4 लिगेंड्स के साथ सराउंडेड है तो या तो उसकी शेप हो सकती है DSP2 या उसकी शेप हो सकती है SP3। अगर उसकी शेप DSP2 है तो इट मींस इट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर उसकी शेप SP3 है इट मींस इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यू विल टुडे कम अक्रॉस टू न्यू थिंग्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शेप ओनली वन शेप इज पॉसिबल एंड दैट शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। दैट इज इन द सेंटर देयर इज मेटल, दिस इज लिगैंड, दिस इज लिगैंड, दिस इज लिगैंड, दिस इज लिगैंड, दिस इज लिगैंड एंड दिस इज लिगैंड। But in coordination number 6, आपके लिए अभी अपनी 11th की नॉलेज के हिसाब से SP3D2 हो या D2SP3 हो वो एक ही बात है। आपको अभी इन दो चीजों में डिफरेंस नहीं पता कि इन दो चीजों में क्या अंतर होता है कि D बाद में लिख दिया या D पहले लिख दिया। For you people, it is one and the same thing. But today you will come to know that what is the difference between these two things. हमारे पास दो ही coordination number वाले compounds possible हैं। Coordination number 4 के या coordination number 6 के compounds possible हैं। Coordination number 4 में दो ही shapes possible हैं। One is DSP2. Another is SP3. Coordination number 6 में octahedral shape is possible. Only one shape is possible, but you will come to know the difference which you have not done. कि मैम आपने तो हमें ये बोला था 11th क्लास में कि H की वैल्यू 6 आती है तो SP3D2 hybridization. D पहले लगाया या D बाद में लगाया उसमें क्या अंतर है ये समझ में आएगा। अब वेलेंस, पहले इतनी चीज पता लग गई हमारा एम क्या है। अब हमारा एम है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी शेप 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले की शेप स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है। हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे पता लगेगा कि वो SP3D2 है या वो D2SP3 है। हाउ विल वी कम टू नो। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मेरी जरूरत ये है, मेरा इस वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का एम ये है, मेरी नीड ये है कि मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शेप्स बताने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरी उलझन ये है कि क्या शेप टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मेरी उलझन ये है वेदर इट इज इनर ऑर्बिटल। यू हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड अर्लियर।
इनर मीन्स डी टू एस पी थ्री, और वेदर इट इज आउटर ऑर्बिटल दैट इज इट इज एस पी थ्री डी टू. But as far as coordination number 6 goes, there is only one shape which is possible, and that shape is known as octahedral shape. ये हमारी aim, हमारा ये है. अब हमें पता है कि coordination compound में coordinate bond होता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में मैम क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में जैसे अमोनिया करते थे, एक इलेक्ट्रॉन एन प्रोवाइड करता था, एक एच प्रोवाइड करता था, एक इलेक्ट्रॉन एन प्रोवाइड करता था, एक एच प्रोवाइड करता था, एक एन प्रोवाइड करता था, एक एच प्रोवाइड करता था, और इस पर यह लोन पेयर होता था. जब आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड लेके आ रहा है. मेटल क्या है? होस्ट. लिगैंड क्या है? गेस्ट. मेटल ने अपने घर में जगह देनी है, अपने घर में खाली ऑर्बिटल्स देने हैं. मेटल ने अपने घर में खाली ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं जिनमें हो गेस्ट ने, गेस्ट कौन सा है? लिगैंड के. एक लिगैंड मींस दो इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें गेस्ट ने आके रहना है. चार लिगैंड है तो चार कमरे प्रोवाइड करने, छह लिगैंड है तो छह कमरे प्रोवाइड करने. इट्स मेन एम इज दिस. मेटल इज होस्ट, लिगैंड इज गेस्ट. हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम उसको खाली कमरा प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए. लिगैंड इज गेस्ट. गेस्ट अपने साथ क्या लेके आ रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वन पेयर, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक लिगैंड मतलब एक कमरा, चार लिगैंड मतलब चार कमरे. जब छह लिगैंड्स के साथ सराउंडेड है तो छह कमरे चाहिए. अब पहले मेरे ख्याल में इतनी चीज सब बच्चों को पता लग गई कि मेन एम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या है. मेन एम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये है कि मेटल हैज टू प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल्स बिकॉज मेटल इज अ होस्ट एंड लिगैंड्स आर गेस्ट. व्हाट थिंग इज गेस्ट? वन लिगैंड हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिहेविंग एज अ गेस्ट. इतनी चीज समझ आ गई सबको? मेन एम पता लग गया. अगर मेटल DSP2 एक डी, एक एस और दो पी कमरे प्रोवाइड करेगा तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. अगर मेटल एक एस और तीन पी कमरे प्रोवाइड करेगा तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. और D2SP3 और SP3D2 की बात पर मैं अभी आ रही हूं. इतनी चीज सबको समझ में आई? नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना हर अगर तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बता दे कि इसका मैग्नेटिक करैक्टर क्या है. अगर हमें क्वेश्चन आए, हमें बोला जाए कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ NiCl4-2-, और बता दिया जाए कि उसके पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें मैग्नेटिक करैक्टर बता दिया जाए तो हमें रास्ता पता लग जाएगा. रास्ता पता लग जाएगा
हमें रास्ता पता लग जाएगा कि डीएसपी टू है कि एसपी थ्री है। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाए इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ये डायमैग्नेटिक है, अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये चीज बता दी जाए कि वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है या उसके पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो चीज हमें रास्ता दे देगी कि डीएसपी टू है या एसपी थ्री है। अब ये सब कुछ इलस्ट्रेट करूंगी। हमें रास्ता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी पता लग जाएगा। इफ वी आर गिवन इट इज डायमैग्नेटिक और इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज पैरामैग्नेटिक बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वी विल कम टू नो whether it is D2 sp3 or it is sp3 D2। क्या फर्क है D पहले और बाद में लिखने में, अभी आ रही हूं। लेकिन अगर हमें पैरामैग्नेटिक करेक्टर, अगर हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, ये किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलना, अगर हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, हमें चोरी से, यस एज अ कल्प्रेट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक पोस्टुलेट यूज करना पड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, हमें चोरी से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक पोस्टुलेट यूज करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, वो कौन सा पोस्टुलेट है? वीक फील्ड लिगैंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का। अब कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो बड़े शरीफ होते हैं, जो जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दिया वैसे एडजस्ट हो गए। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं तुम्हें अपना कमरा भी छोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं कि तुम्हें अपना रूम भी छोड़ना पड़ता है, अपना बिस्तर अपने पेरेंट्स के रूम में ले जाना पड़ता है, फर्स्ट पेयरिंग करनी पड़ती है, उनके रूम में शेयर करना पड़ता है उनका बेड, और खाली कमरा प्रोवाइड करना पड़ता है गेस्ट को। ऐसी ही चीज उसी गेस्ट को मैं स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के साथ कंपेयर कर रही हूं। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड उसको बोलते हैं जो जबरदस्ती अपने लिए कमरे खाली करवाता है। एग्जांपल से ज्यादा अच्छा पता लगेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेटल 4 लिगैंड्स के साथ घिरा हुआ होता है। जब मेटल 4 लिगैंड्स के साथ घिरा होता है, दो ही शेप्स पॉसिबल हैं, DSP2 या SP3। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मेटल 6 लिगैंड्स के साथ घिरा हुआ होता है, एक दिन वापस भेजने की देर है। जिस दिन मेटल 6 लिगैंड्स के साथ घिरा हुआ होता है, When metal is surrounded by 6 ligands, या तो sp3 d2 होता है या d2 sp3 होता है। जब coordination number 4 है तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैम dsp2 के sp3। हमारे माइंड में क्वेश्चन ये रेज होगा, मैडम dsp2 के sp3। dsp2 शेप मीन्स प्लेनर, sp3 शेप मीन्स टेट्राहेड्रल। मैम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब शेप तो एक ही पॉसिबल है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मैडम D2 SP3 के SP3 D2। देयर प्रॉब्लम विल बी वेदर इट इज D2 SP3 और इट इज SP3 D2।